हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड इवनिंग। इस टाइम हो रहे हैं शाम के 7:30। मैंने आज व्लॉग शाम को स्टार्ट किया क्योंकि मैं 1 बजे तक बिजी थी अपनी क्लासेस में। उसके बाद मैं उठी, खाना वाना खाया। अभी देखो टीवी की आवाज़ आ रही, टीवी बंद करो। और इतने सारे कपड़े धोए उसके बाद मैंने, और ये सब कपड़े धोए उसके बाद शाम हो गई। थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने शावर लिया। शाम को आप लोगों को बताया मैं टवल से नहा लेती हूँ। और फिर उत्ते में खाने का टाइम हो गया, तो खाने में आज कुछ खास नहीं बन रहा है, लेकिन तो भी मैं आपको मिक्स दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और हम लोग बहुत ही सिंपल सी बनाते हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये मिक्स दाल मैंने गला के रख ली थी, 2 घंटे मैंने इसको गलाया है और इसमें सोडा डाल दिया है जिससे ये अच्छी फूल जाए। यहाँ मैंने दाल बॉईल करने के लिए अपने असिस्टेंट को चढ़ा दिया है, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉनिक कुकर को चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, 2 से 3 चुटकी हींग पाउडर। इस वाली दाल में हींग पाउडर बहुत अच्छा लगता है। और इसे बजरंगी दाल कहते हैं या पंचमेल दाल भी कहते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें डालती हूँ स्वाद अनुसार नमक। और ये चावल रोटी सभी तरह की ब्रेड्स के साथ अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही टेस्टी रहती है। और अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इससे दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं इसे पैक कर दूँगी। मैंने इसे दाल वाले मोड पे बॉईल करने के लिए रख दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम घुटी हुई दाल नहीं खाते, इसलिए इसे बहुत ही कम कुक करेंगे। 4 मिनट के अंदर ही हो जाएगी बॉईल, उस जब तक हम लोग तड़का रेडी कर लेते हैं इसका। यहाँ तड़के के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने अभी थोड़ा कम डाला है क्योंकि इसमें घी भी डलता है। ऑयल और घी दोनों डालो तो इस वाली दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैंने 2 छोटी चम्मच घी डाल दिया है क्योंकि ऑयल मैंने बहुत ही कम डाला था, 2 छोटे चम्मच तेल था तो वो डाला मैंने। अब इसे गर्म होने दूँगी मैं। यहाँ मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, और 5 से 6 खड़ी मिर्च। हमारे घर में जो मिर्ची है वो बहुत फीकी है, तो मैं खड़ी लाल मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 मीडियम साइज ऑनियन, बहुत ही बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। अच्छा ब्राउन कलर दे दूंगी मैं, इतना कुक करूंगी कि इसका कलर हल्का ब्राउनिश हो जाए। इधर टमाटर भी काट के रखे हुए हैं। इसका तड़का सिंपल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिच नहीं रहता, लेकिन तो भी बहुत टेस्टी रहती है ये दाल। अगर आप सब्जी नहीं बनाना चाहते हो तो भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ ये दाल अगर आप खाओगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। और मैं और मेरी मम्मी आज दाल के साथ बना रही हूँ चावल, तो हम दोनों चावल खाएंगे, पापा रोटी खाएंगे और साथ में बन रही है गिलकी की सब्ज़ी। तो उसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैं बार बार शेयर नहीं करूँगी। अभी मैं इसमें चुटकी भर हींग पाउडर और डाल दूँगी। हींग पाउडर की खुशबू दाल में बहुत अच्छी आती है, तो मैंने बॉईल करते टाइम भी डाल दिया था और अभी भी डाल दिया। ऑनियन को अच्छे से कुक करेंगे हम। देखिए ऑनियन का कलर अच्छा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी टमेटोस। यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज टमेटो को एकदम बारीक नहीं किया, इसको मैं बड़े बड़े टुकड़ों में रखती हूँ क्योंकि टमाटर जो मूलियाँ आते हैं ना दाल खाते वक्त,
तब बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, ये टमेटोस को कुक होने में हेल्प करेगा। इधर मेरी दाल भी कुक हो चुकी है और टमेटोस भी कुक हो गए हैं, मैंने मध्य मध्य आँच पे पकाया उसे अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर आधा चम्मच, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच डालूंगी मैं धनिया पाउडर, क्योंकि इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें और ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है। अब इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, दो चम्मच, और भी मसालों को पकाऊंगी। तड़के में से अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा एकदम तीखा तड़का रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी अपनी बॉईल की हुई दाल, इसे मैंने एकदम ज़्यादा मतलब गलाया नहीं है, थोड़ा खड़ा खड़ा रखा है, देखो आपको नीचे समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, बस इसको ना बहुत ज़्यादा गला दो ना तो जैसे बात रहती है ना वैसा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। बस इसमें डालना है एक छोटा चम्मच गरम मसाला और हमारी दाल रेडी हो जाएगी। और देखिए हमारी दाल रेडी है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, और देखिए एकदम लाल शर्ट जो पचरंगी दाल होटल में मिलती है सेम वैसे ही बनी है, और टेस्ट तो शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे घर की दाल का, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ठीक रहती है। ये थोड़ी सी चावल से खाने के लिए बनाई है, थोड़ी सी लिक्विड है, बट जब आप रोटी से बनाओ तब ये वाली दाल थोड़ी सी थिक बनाना चाहिए। चलो मैं अपना बाकी का खाना भी रेडी कर लूँ। हम लोग खा रहे हैं खाना और मम्मी खा रही हैं दाल चावल। आज सही में मज़ा आ गया, मिक्स दाल के साथ चावल हम लोगों को बहुत पसंद है, मतलब मम्मी और मुझे तो बहुत पसंद है, तो एकदम तीखी बनाई थी तो वो बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो मम्मी डिनर कर रही है, और पापा क्या कर रहे हैं दिखाओ, पापा लेट गए हैं और देख रहे हैं IPL। मैंने खाना खा लिया, हम लोग ने थोड़ा सा लेट खाना खाने बैठे हैं, तो चलो पहले, हाँ क्योंकि हमारे चावल रेडी नहीं हुए थे, तो चलो पहले मैं अपना डिनर फिनिश कर लूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं पी रही हूँ चाय सुबह सुबह, अभी मतलब सुबह सुबह हो रही है, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ सुबह इसलिए क्योंकि मैं आधा घंटा पहले उठी मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया मैंने मॉर्निंग में, और अभी पी रहे हैं हम दोनों चाय, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। भी हम लोग चाय पी रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा ये कुशन्स आए थे कल दोपहर में, मैं आपको दिखाती हूँ, खोल के दिखाना आप। ये वाले कुशन्स आए थे, लेकिन ये लगे तो बहुत अच्छे 3D प्रिंट है, इस पर फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे, लेकिन इसका साइज़ छोटा है, मुझे इस वाले साइज़ के चाहिए थे, ये बड़ा वाला है ना इस साइज़ के, बट ये छोटे आ गए, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया उस पर। और सेकेंड ये वाले मंगाए, इसमें भी 3D प्रिंट है, और जो ये ऊपर का कपड़ा है ये वेलवेट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और कैमरे में तो कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जब हम लोग बिछाएंगे इनको लगाएंगे कवर्स को तब दिखाएंगे, अभी तो यूज़ नहीं करेंगे, दिवाली पर ही यूज़ करेंगे, पर ये वाले कवर मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे क्योंकि साइज़ में छोटे हैं, और इतने बड़े कुशन ना हमारे घर में हैं और ना लाने की कोई प्लानिंग है हमारी कि हम लेकर आएंगे इस टाइप के कुशन, क्योंकि हमको ना छोटे वाले कुशन्स पसंद नहीं, हमारा पूरा सोफ़ा बहुत बड़ा बड़ा है, पूरा मतलब इतने बड़े बड़े, और उस पर ना अभी तो हम लोग वो पिलो कुशन आते हैं ना इतने बड़े वाले, वो वाले लाने का सोच रहे हैं, तो वो क्योंकि ना उसमें दो दो आ जाएंगे ना तो और
सोफे का लुक चेंज हो जाएगा। तो देखो वो कब तक लाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैंने एक बार कुशन्स मंगा के देख लिए लेकिन वो इतने अच्छे नहीं मिलते, पर लोकल मार्केट में जाकर लेकर आऊँगी मैं, वो वहाँ ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और देखो मैंने अभी अपने बालों को कॉम नहीं किया है, लेकिन अभी भी वो अच्छे हैं। मेरे बाल कभी कभार बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, नहीं जब मैं उठती हूँ ना तो प्रॉपर इस तरह कॉम मिलते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आज से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, मतलब थोड़ा सा चेंज है। सुबह हल्की हल्की धुंधल थी, और मेरे प्यारे पौधे, कुछ पौधों की हालत खराब हो गई है लेकिन बाकी सब तो अच्छे हैं। ये वाला जो पौधा है ना, उसमें अजवाइन जैसी फ्रेग्रेंस आती है, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना उसकी खुशबू पसंद नहीं है, लेकिन ये देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी अभी कहाँ है, इतनी देर में तो वो बाहर आ जाती है। और ये देखो मेरी मम्मी वो छोटे से स्टॉल को ओढ़े हुए हैं, क्योंकि हल्की हल्की ठंड होने लगी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है विंटर्स। काश हमारे वहाँ बर्फ गिरती होती, नॉर्थ इंडिया में जो चीज़ इम्पॉसिबल है, मतलब हमारे वहाँ सेंट्रल इंडिया में इम्पॉसिबल चीज़ है। और अभी तो गुलाब भी अच्छे नहीं हो रहे, इनमें खाद डालनी पड़ेगी। एक्चुअली ना इस बार बहुत सारे वो आए हैं गुलाब, और ये देखो तितली हो गई, मेरी कहाँ गई, चली गई वो। यहाँ पर इतनी सारी तितलियाँ आती है ना। और इधर ये एक पेड़ है, ये वाला, इसमें फ्लावर्स आते हैं रेड कलर के, और उसमें इतनी सारी तितलियाँ और वो छोटी छोटी चिड़िया आती है ना, और इतना सुंदर लगता है। अभी कुछ दिन बाद वो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लांट्स कम हो गए, और अभी मेरे प्लांट्स भी कम हो गए। आपके प्लांट्स वो अपन बीमार थे ना उस बीच में, वो थोड़े से खराब हो गए, थोड़ा बीमार रहो और केयर नहीं कर पाओ तो बेचारे प्लांट्स के साथ ऐसा ही होता है। और यहाँ से पूरा हमारे यहाँ का व्यू, हमारे वहाँ आसपास ऐसा नहीं है कि हरियाली नहीं है, अच्छी खासी हरियाली है। सभी ने जिनकी भी बिल्डिंग्स हैं सब ने थोड़े थोड़े पौधे लगा रखे हैं, पेड़ भी अच्छे खासे हैं, एक दो पेड़ मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं, और बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा, सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमारी गैलरी में आके बैठना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखो मेरी मम्मी नीचे पौधे देख रही है, ये पौधे ही देख रही है कन्फर्म। नीचे एक आंटी रहती है, मतलब वो हमारी किराएदार है, तो वो उनके वहाँ भी बहुत सारे पौधे लगे। जब वो आए थे तब उनके वहाँ एक भी प्लांट नहीं था, लेकिन मतलब उन्होंने हम लोगों को देखा और यहाँ पर उन्होंने भी लगाना चालू कर दिया, और इतने सारे प्लांट हो गए हैं अब उनके पास भी, तो इतना अच्छा लगता है। नीचे वाला फ्लोर भी अच्छा लगता है, ये वाला फ्लोर भी अच्छा लगता है। सुबह सुबह हम लोगों को वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर आना, तो इतना ज़्यादा भीड़ जब दोपहर में हो जाती है तब बहुत अजीब सा लगता है, मतलब इतनी आवाज़ें आती है ना, दिन भर शोर होता रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने आता रहता, सबसे ज़्यादा तो उन लोगों की आवाज़ें आती है, ये ले लो अटाला ले लो, ऐसी आवाज़ें आती है हमारे वहाँ। चलो अभी हो रहा है मेरी क्लास का टाइम, अभी तो 8:15 हुए, लेकिन मैं अपनी कॉपी पेन फ़ोन सब लेकर बैठूँ। मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मतलब उसमें एंटीवायरस डलवाना है और कीबोर्ड के एक दो कीज़ काम नहीं कर रही हैं, तो उसको ठीक करवाना है, लेकिन उसके लिए मुझे खुद को जाना पड़ेगा। और हमारे वहाँ कोई इतना अच्छा नहीं है, मतलब कि रिपेयर करने वाला कि मेरे लैपटॉप को सही कर दे। देखती हूँ, हमको इंदौर जाना पड़ेगा, और आपको दिखाती हूँ कि ये पुरानी केटल थी हमारी, तो ये ख़राब हो गई थी, इसमें पानी गर्म नहीं रह रहा था, तो उसको मम्मी ने उसमें मनी प्लांट लगा दिया, तो वो अच्छा लगता है, मतलब एक डिफरेंट सी चीज़ लगती है, अच्छी है वो।
और अभी मुझे मेरे फ्रिज के साथ गिफ्ट भी मिले हैं, मैं आपको दिखाऊंगी वो गिफ्ट। बहुत अच्छा गिफ्ट है, मतलब मुझे, मैंने आज ही यूज़ किया है लेकिन काफ़ी यूज़फुल लगा। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अब भी हो रहा है मेरी क्लास का टाइम और मैं लेट हो जाऊंगी तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ 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 मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स एंड बाय बाय, क्योंकि क्लास का वक्त हो रहा है। बाय बाय।